DMCH कैंपस में आप का खैर मकदम है। ये बाएं जानिब मेरे ये हॉस्टल है, इसको वेस्ट हॉस्टल बोलते हैं। ये काफ़ी दराज है लेकिन सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही है इसका। थोड़ा परेशानी होती है बरसात में, पानी भर जाता है, अभी तो माशाल्लाह सूखा हुआ है। ये पौंड का चौहदी है, इसमें लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। और देखिए काफ़ी दराज पौंड है, खूबसूरत है, और चारों तरफ खूबसूरत बागीचे लगे हुए हैं, आम के दरख्त और बोगनविलिया है, फूलों का यूकेलिप्टस, अभी आम का वो नारियल और दीगर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, इसका ध्यान रखा गया है, सफाई का भी। यहाँ पे कुछ कार्स लगे हुए हैं, ये देखिए सीढ़ी नुमा बना हुआ है। ये सीढ़ी छठ के टाइम में यहाँ पे लोगों को नहाने का बंदोबस्त होता है, सो सीढ़ी नुमा घाट बना दिया गया है। इधर देखिए वो उधर भी एक हॉस्टल है, उसमें कसीर तादाद में MBBS लड़के रहते हैं उसमें, लेकिन कुछ PG लड़के भी रहते हैं। उसको गालिबन नॉर्थ हॉस्टल बोलते हैं, नॉर्थ हॉस्टल। ये तो वेस्ट हो गया। यहाँ पे बीच बीच में झोपड़ी नुमा बनाया हुआ है ताकि लोग टहलते हुए थोड़ा आराम कर सकें। देखिए आम का बौर काफ़ी खूबसूरत लगा हुआ है, और ये देखिए माशाल्लाह छोटे छोटे आम के, इसको खाते हैं ज़रा। ये सामने दिख रहा है हॉस्टल, उसको RG नॉर्थ हॉस्टल, वो नॉर्थ हॉस्टल है। ये बीच में कौन हॉस्टल है इसका नाम याद नहीं हमको। उसके दाहिने जानिब एक हॉस्टल है, उसको RG हॉस्टल बोलते हैं, नॉर्थ हॉस्टल मोस्ट पहले इसी को RG बोलते हैं। ये RG है, वेस्ट RG नॉर्थ, यस। और ये सामने अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, वो साउथ हॉस्टल बोला जाता है। रोड है, ये रोड खुल जाता है आपको अरलपट्टी के रोड की तरफ। इधर से भी एक रास्ता है बना हुआ। यह है फील्ड, इसमें क्रिकेट कभी कभी बच्चे खेलते हैं जब सूखा हुआ रहता है, तो अभी भी सूखा हुआ है। एनुअल स्पोर्ट्स का थोड़ा बहुत ट्रेंड है लेकिन बहुत ही लिमिटेड है, इधर उतना स्पोर्ट्स में लड़के हिस्सा नहीं लेते, पता नहीं लगा कि लड़के स्पोर्ट्स की तरफ कम माइल हैं। स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, ज़रूरियात से है भी, फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग सब कुछ ज़रूरी है। ये देखिए का बोर लगा हुआ है, ये थोड़ा बहुत गंदगी है, इधर डंप किया गया है आइडल्स को, सफाई होता है बीच बीच में। तो अभी नहीं हुआ है, थोड़ा केयरलेसनेस है, प्लास्टिक्स बोटल्स। इस हॉस्टल को नॉर्थ हॉस्टल साउथ हॉस्टल बोलते हैं। इधर देखिए खूबसूरत सा आंवला का पेड़, बचपन में एक हम लोग के घर में आंवला का पेड़ हुआ करता था गांव में, मैंने उसका फल कभी नहीं चख पाया कि वो सूख गया था जब हम लोग
होश संभाले तो वो सो गया था। तो काफ़ी खूबसूरत है पेड़, कुछ कुछ आंवला भी लगा हुआ है ऊपर में, अभी नया नया बिल्कुल इसमें पत्ते आ गए हैं, नई पत्तियाँ, बहुत खूबसूरत है। आंवला सेहत के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है, सभी जानते हैं इसको, आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार मेरा फेवरेट। ये देखिए भाईजान फिश मार रहे हैं। कितना फिश पकड़ाया? ओ भैया चार पकड़ा गया, वाह तीन, वेरी गुड। कैसा फिश आता है देखें जरा, इसमें बड़ा साइज का है या छोटा साइज का ही है? हाँ यहाँ पे देखिए भाई साहब ने काफ़ी अच्छा फिश पकड़ा है। ये क्या है? तेलापिया है। ओह तेलापिया मछली, बहुत ही मजबूत मछली मानी जाती है, खाने में कांटा बहुत होता है लेकिन टेस्टी भी उतना ही होता है, तेल का इस्तेमाल इसमें कम होता है इसलिए इसको नाम दिया तेलापिया। मच्छरों को खाती है ये मछली, इसलिए इसको ऐसे जगह पे पाल देते हैं जहाँ पे ज़्यादा मच्छर मक्खियाँ हों। ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छी मछली मानी जाती है। ये देखिए इधर कर्पूरी चौक इसको बोलते हैं, होना रहा इसलिए रोक रहा हूँ वीडियो को। ठीक है।